welcome to intro international in today's lecture we are going to discuss about lamarckism this is our syllabus of ugc net JRF, and this is for upsc in our previous lecture we have discussed about pre-darwinian theories that was just an introduction and in our today's lecture we will discuss uh, about lamarckism and neo-lamarckism ये बहुत जो थ्योरीज़ है ये प्री डार्विनियन थ्योरीज है जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया व्हाट इज़ प्री डार्विनियन डार्विनियन एंड पोस्ट डार्विनियन थ्योरी उसके लिए आपको अगर आपने नहीं देखा है वो प्रीवियस वाला लेक्चर फिर से देखें तो उसको कंटिन्यूटी में हम लिमाकज़म आज पढ़ेंगे तो लिमाकज़म को समझने से पहले हम देखेंगे फर्स्ट स्लाइड में लिमाक कौन थे लिमाकिज़म इज़ द फर्स्ट ट्रूली कम्प्रहेंसिव थेरी ऑफ एवोल्यूशन जो लिमाकिज्म है ये बहुत ही डिटेल्ड में सबसे पहली थेरी थी एवोल्यूशन की जो लिमाक ने दी थी लिमाक कौन थे ही वॉज ए फ्रेंच बॉर्न बायोलॉजिस्ट जीन उनका पूरा नाम था जीन बेप्ट लिमाक 1819 में लिमाक ने अपनी कंप्लीट थीसीज ऑफ एवोल्यूशन दे दी एक बुक में जिस बुक का नाम था फिलोसफी की इस बुक में इन्होंने अपनी कंप्रहेंसिव जो डिटेल्ड थेरी दी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन 1809 में इस थ्योरी को हम दूसरा नाम बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर लेमार्किज्म इज़ द नेम ऑफ द थेरी इट्स आल्सो कॉल्ड एज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर it was given by french-born biologist jean baptiste lamarck in 1809 in his book philosophic zoology. okay, let's move on to second slide. theory okay. lamarckism, that was based on four principles. first principle is internal urge. what internal urge means? लिमाक के मुताबिक जो एक ऑर्गेनिज़म होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म होता है तो उसके अंदर एक इंटरनल डिज़ायर होती है इंटरनल चाहत होती है एक वांट होती है कि वो अपने ऑर्गेनिज्म, अपने ऑर्गन का साइज़ बढ़ा सकता है इसने इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल दी हॉर्सेस की इसने बोला जो हॉर्सेज हैं ये पहले एक डंकी लाइक स्ट्रक्चर था जो विद टाइम इसको अपनी एक चाहत थी तो उस चाहत के बिना पे इसने अपना जो साइज़ है वो इंक्रीज किया तो इस आ, जो इसका ये जो इंटरनल फोर्स था दैट लीड टू द चेंज इन इट इस स्ट्रक्चर ओके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक चाहत होती है जो उसका जो साइज़ है जो स्ट्रक्चर है चाहे वो उसका उसके ऑर्गन का स्ट्रक्चर हो या फुली ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर हो वो चेंज होता है इसके अंदर एक चाहत की वजह से ठीक है ये इसका पहला प्रिंसिपल था सेकेंड प्रिंसिपल था डायरेक्ट इन्वामेंट एंड न्यू डिज़ायर जो एनवायरनमेंट होता है एक तो इंटरनल अर्ज़ होती है एक ऑर्गेनिज्म की और दूसरा जो एनवायरनमेंट की वजह से चेंज होता है फॉर एग्जांपल, अगर एनवायरनमेंट चेंज हो हुआ जिसके लिए इसने सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल दी जिराफी की कि एनवायरनमेंट ऐसे चेंज हुआ ज़मीन पे घास ख़त्म हो गई तो जराफी को स्ट्रेच करनी पड़ी अपनी गर्दन और अपने फोर लिम्स तो ये एनवायरनमेंट की वजह से उसका जो इम्पैक्ट पड़ा उसके स्ट्रक्चर पे और वो उसको अपने उस स्ट्रक्चर को चेंज करता गया ठीक है इंटरनल पहला प्रिंसिपल बोला सेकंड बोला बोला एन्वेरमेंट इट्स ईच ऑर्गन और पार्ट इज द आउटकम ऑफ ए न्यू मोमेंट विच टर्न इज इनिशिएटेड बाय न्यू एंड कंटिन्यूस डिज़ायर और वांट दस फॉर्मिंग ए न्यू ऑर्गन और पार्ट बिकम्स नेसेसरी टू प्रोड्यूस द न्यूली डिज़ायर्ड मोमेंट जब आपके सामने एनवायरमेंट चेंज हो रहा है तो आपको एक इम्पोर्टेंट बन जाता है आपको अपने जो स्ट्रक्चर में चेंज लाने के लिए ताकि आप एडॉप्ट करो आप एनवायरमेंट uh, के साथ एडजस्ट हो जाओ ये इसका सेकेंड प्रिंसिपल था इसको आप अच्छे से समझोगे आगे लेक्चर में थर्ड प्रिंसिपल बोला यूज़ एंड डिसयूज़ कि जो भी आप यू आपका एक्ट जो भी आप ऑर्गन को यूज़ करोगे ठीक है वो ज़्यादा मतलब उस ऑर्गन में ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगी अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा यूज़ करते हो किसी ऑर्गन को अपने बॉडी में ज़्यादा यूज़ करते हो उसका तो उसका साइज़ या उसका स्ट्रक्चर उस उस तरीके से डेवलप हो जाएगा अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो वो ख़त्म हो जाएगा द डिवेलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू इट्स यूज इसका मतलब है जितना आप यूज़ करते हो उतना उस ऑर्गन का डिवेलपमेंट हो हो जाएगा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और अगर आप उस ऑर्गन का यूज़ नहीं करते हो दैट विल द ऑर्गन विल डिमिनिश अनटिल इट फाइनली डिसअपियर्स जिस ऑर्गन का आप यूज़ नहीं करोगे तो वो तो कम 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 होता जाएगा और फाइनली वो डिसअपेयर हो जाएगा ये इसका थर्ड प्रिंसिपल था किसका लिमाकज़म का दैन फोर्थ ये प्रिंसिपल फोर्थ प्रिंसिपल वॉज इन्हेरिटेंस ऑफ अक्यर्ड करेक्टर जो भी आप एकर करते हो कोई भी कैरेक्टर आप लाइफ में एक्वायर करते हो एक्वायर्ड मीन्स डैट वो जो नेचुरल नहीं है जो आपकी जीन में नहीं है जो आप लाइफ टाइम में एक्वायर्ड करते हो हासिल करते हो जो एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है दैट इज ऑल दैट हैज़ बीन एक्वायर्ड और अल्टर्ड इन ऑर्गेनिज्म ऑफ इंडिविजुअल जूरिंग देयर लाइफ इज प्रिजर्वड एंड ट्रांसमिटेड न्यू इंडिविजुअल्स जो भी आप एकर करोगे वो आपका हेरिडिटी बन जाएगा वो आपको वो आगे ट्रांसमिट हो जाएगा इन द न्यू जनरेशन हु प्रोसीड फ्राम दोज हु है दीज चेंजेस जहाँ से आपने कुछ एक्वायर किया आपने लाइफ टाइम में कोई भी चीज़ एक्वायर की वो फिर ट्रांसमिट हो जाती है वो फिर हेरिडिटी बन जाती है ये चार प्रिंसिपल आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू में समझाऊंगी इन नेक्स्ट स्लाइड तो आपको आराम से समझा जाएगा क्यों लिमाग कहना क्या चाहते थे लिमाग की जो थीरी थी वो इसका क्या मतलब था Okay, let's move on to second. ओके फर्स्ट एग्जाम्पल जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो साइट की गई है दैट इज ऑफ जिराफी जिराफी का लिमाग ने बोला द एन ओरिजिनल डियर लाइक एनसिस्टर ऑफ़ जिराफी फाउंड द सप्लाई ऑफ ग्रास एंड हर्बस इन एडोकेट हेंस द जिराफी वर फोर्स टू फीड ऑन द फॉयलेज ऑफ ट्रीज़ उन्होंने बताया जो जब जमीन पर घास ख़त्म हो गई जो जिराफी है उसका एनसिस्टर एक्चुअली जो था दैट वॉज डियर लाइक ठीक है वो ज़मीन से घास खाता था उसकी गर्दन इतनी लंबी थी और जो फोर लिम्स है वो भी इतने लंबे नहीं थे तो ये ज़मीन से घास खाती थी तो जब ज़मीन पे इन्वायरमेंट चेंज हो गया कुछ इवेंट हो गया जो इन्वामेंटल कंडीशंस चेंज हो गई इसकी वजह से जो ज़मीन पे जो घास थी वो ख़त्म हो गई इस ज़मीन पे घास ख़त्म होने की वजह से इसको आ, क्या करना पड़ा इसको लीव्स पे जो फोलेज है पत्ते जो है वो खाने पड़े ठीक है जिसकी वजह से इसको अपनी गर्दन स्ट्रेच करनी पड़ी उस स्ट्रेचिंग की वजह से आ, ये स्ट्रेच करता गया इसकी फोर लिम्स भी बढ़ती गई आगे वाली लिम्स जो है लेग्स जो है वो बढ़ती गई और इसकी गर्दन बढ़ती गई जो ताकि ये इसको अपने गर्दन को बढ़ा रहा था ताकि ये हायर फोलेज़ पर तक पहुँच जाए इन प्रोसेस ऑफ रीचिंग द लीव ऑफ हायर ब्रांच इट्स ने फोर लिम्स वेयर रेज ये भी रेज होती गई फोर लिम्स और इसकी जो गर्दन है वो भी लंबी होती गई स्ट्रेच होती गई

जनरेट हो गई अदरवाइज एज पर लिमाक ये एक डेयर थी जो सकमस्टेंसिस की वजह से इसको अपना स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ा और आज का जिराफी जनरेट हो गया नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट जो लिमाक ने एग्जाम्पल दी वो वाटर बर्ड्स जिनके वेब टोज होते वेबलाइट टोज होते उसकी उन्होंने एग्जाम्पल दी जो जो उसने बता दिया कि ही एक्सप्लेनड द वेबड फीट ऑफ एक्वेटिक बर्ड्स एज बींग इनिशिएटेड बाई हंगर उन्होंने बोला ये भी दैट मीन्स एनवराममेंट ऐसा था इस इन जो बर्ड्स थे इनको ज़मीन पर खाना नहीं मिला तो उनको क्या करना पड़ा इनको स्वापी एरियाज स्वापी एरियाज मीन्स वेर देर इज़ लिटिल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर जहाँ पे पानी था उनको वहाँ जाना पड़ा ठीक है वहाँ पर क्यों अपनी हंगर को मिटाने के लिए इन सर्च ऑफ फूड तो वहाँ पे जो इनके ये टोज थे इन्होंने अपनी जो ये जो टोज़ हैं ये स्ट्रेच करते गए ठीक है ये अपनी टोज को स्ट्रेच करते गए जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर आ गया ये इनको जो बीच वाला ये ये जनरेट हो गया ये अकॉर्डिंग टू लिमार्क ये बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चिंग स्ट्रेचिंग ऑफ टोज हो गया ठीक है इन द प्रोसेस द टोज वेर स्प्रेंट स्प्रेंटिंग आउट स्प्रेडिंग आउट जनरेशन आफ्टर जनरेशन द कंटिन्यूड स्ट्रक

generation to generation from the parents to their offsprings okay this was his second example third example the origin of snakes was explained as a loss of limbs stemming

हो जाएगा तो यहां वो एग्जाम्पल देता है डिसपेरेंस के लिए स्नैक्स की कि जो स्नैक्स थे उनके लिम्ब थे बट जो कि वो ग्राउंड में जो बुशेज में जो वो रहते हैं जिसकी वजह से उनका उनकी जो लिम्ब थे उनका कोई काम नहीं था इन लिम्स का कोई काम नहीं था उ, उन्होंने क्या किया ये जो लिम्स थे जिनका कोई काम नहीं था जिस हैबिट लेड टू कंटिन्यूड एफर्ट टू इलॉन्गेट द बॉडी डिवेलप हो गई बॉडी इलोंगेट हो गई एंड लेग्स थे लेग्स वुड है टोटल लॉस ऑफ लिम्स जो इन्होंने लिम्स का यूज नहीं किया जिसकी वजह से इनका फिर लॉस ही हो गया ये डिसअपियर हो गए और इनकी बॉडी एक्वायर्ड हो गई जो इन्होंने लॉन्ग ये ड्रैग की जो बुशेस में ये ड्रैग करता गया तो ये लंबी होती गई इनकी बॉडी और इस एक्वायर्ड कैरेक्टर को वो इनहेरिट करते गए और इस लेग्स को जो डिसयूज हो गए तो वो फाइनली डिसअपियर हो गए ठीक है देन द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग लेग्स इन द वेडिंग बर्ड्स थ्रू जनरेशन ऑफ सस्टेनेड स्ट्रचिंग द बॉडी स्ट्रेचिंग टू कीप दॉडी अबव द वॉट वाटर लेवल तो और एक एग्जाम्पल दी कि जो वेडिंग बर्ड्स होते हैं उन्होंने क्या किया वो ज़मीन पर रहने के लिए सॉरी पानी में पानी से ऊपर रहने के लिए उन्होंने क्या किया अपनी जो लेग्स को लंबा करते गए ताकि वो जो पानी की सतह से उनकी बॉडी जो है वो ऊपर रहे ये भी उनका जो है एक्वायर्ड था जो फिर हेरिडिटी बन गया और एक एग्जांपल दी आइज और रिड्यूस्ड इन मोल्स बिकॉज दे लिव अंडरग्राउंड जो मोल्स होते हैं वो अंडरग्राउंड होने की वजह से अंडरग्राउंड रहने की वजह से जो उनकी जो आँखें हैं सिंस द केव इज़ कम्प्लीटली डार्क वो जो अंडरग्राउंड uh, केव्स में रहता था रहते हैं और जो केव्स हैं केव्स डार्क होते हैं जिसकी वजह से द एनिमल इन द केव के नॉट यूज़ आइज सो आइज़ बिकम डिजनरेटेड एंड इन एक्सट्रीम आई केसेज आइज डिसअेपेयर कम्प्लीटली दैट मीन्स जो डिसयूज था जो उन्होंने अपनी आईज को यूज़ नहीं किया uh, क्योंकि वो डार्क केव्ज में रहते थे कौन मोल्स तो उनकी वजह से जो उनकी जो आँखें हैं वो कम्प्लीटली डिसपियर हो गई दी एबसेंस ऑफ विंग्स इन द किवी ऑफ न्यूजीलैंड मैंने सबके साइड में पिक्स इसलिए लगा दी ताकि आपको याद रहे आपको पूरे से पिक्चर्स दे के समझ आ जाए व्हाट एक्चुअली लिमाक वाज टेलिंग वाज एक्चुअली जो किवी का जो जब भी मैं न्यूजीलैंड का क्रिकेट मैच देखती थी तो जब मैं मुझे किवी की याद आती तो मैं uh, मेरे जहन में ये वाली पिक्चर नहीं रहती थी मेरे जहन में दूसरी कोई पिक्चर होती थी इसलिए मैंने रखे हैं साथ में ताकि आपको याद रहे आपका आइडिया रहे कौन सी पिक है ये कौन सा एनिमल है कौन सा ऑर्गेनिज्म है ये ताकि आपको पूरा आइडिया क्लियर हो जाए द एबसेंस ऑफ विंग्स इन द कीवी ऑफ न्यूजीलैंड इज़ बिलीव टू हैव डिसेंडेड फ्रॉम फ्लाइंग बर्ड्स जो कीवी जो है कीवी का उन्होंने बोला कि जो ये वो बिलीव करते थे कि ये जो कीवी हैं ये भी एक्चुअली आ, उड़ता था इसके विंग्स थे ये उड़ उड़ के न्यूजीलैंड पहुँचे हैं लेकिन न्यूजीलैंड में पहुँचने के बाद उन्होंने वहाँ पे अबेंडेंस में फ़ूड देखा और उनका कोई एनिमी नहीं था वहाँ पे तो इनको उड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी अपने एनिमी बच से बचने के लिए या उनको फूड की तलाश नहीं करनी पड़ी तो उनको जो ज़मीन पर ही गज़ा मिल गई तो इसकी वजह से उनके जो विंग्स थे उनका टोटली डिसयूज़ हो गया उनका यूज़ नहीं रहा और जब उन्होंने विंग्स का यूज ही नहीं किया तो विद टाइम विंग्स लॉस हो गई इनके जो विंग्स है वो खत्म हो गई और इनका अब जो जो स्पीशीज है उनमें विंग्स पाई ही नहीं जाती है ठीक है ओके लिमार्क अप्लाइड द

हो गया और वो वोना नहीं रहा वो बाए, बाए रहा ठीक है हो गया तो उन्होंने उन्होंने एक और दी इन इन आँग आँग और उन्होंने बोला जो ब्लैक होते हैं उनके जो मसल्स होते हैं राइट आर्म में कंटिन्यूस यूज होने की वजह से वो जो उनकी मसल्स हैं वो बहुत अच्छी डिवेलप हो गई है ठीक है दैट मीनस यूज जितना आप किसी चीज़ को करते हो वो उतना डिवेलप हो जाएगा अगर आप डिसयूज करते हो तो वो ख़त्म हो जाएगा एज़ पर द लिमाकज़म इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट लिमाक इज़ बेस्ट नोन फॉर द इनकरेक्ट थीरी ऑफ हेरिडिटी बाई एक्वायर्ड कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिमाक ने एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी कि कोई भी आप एक्वायर करते हो आप हासिल करते हो लाइफ टाइम में तो वो इनहेरिट हो जाती फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन उसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ और जिसकी वजह से इस लिमा लिमाज जो थी थेरी थी वो ज़्यादा क्रिटिसाइज हो गई बट इसका मतलब ये नहीं है वन मस्ट रिमेंबर दैट हिज कॉन्सेप्ट वेर सेट फोर्थ इन द अर्ली नाइनटीन सेंचुरी वैन द इंटीमेट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अ ट्रू मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन वॉज एज यट अनोन लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अर्ली नाइनटीन सेंचुरी में लिमाक ने अपने ये कॉन्सेप्ट दिए थे अपनी ये हाइपोथिस दी थी जब इंसान का स्ट्रक्चर जो है इंटीमेट स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनिजम्स का है वो भी वेल well डिफाइनड नहीं था इवन फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था इसके फिफ्टी ईयर्स के बाद डाविन ने अपना कॉन्सेप्ट दिया अपनी जो थ्योरी थी दी थी वो इसके फिफ्टी ईयर्स के बाद दी थी तो इसका क्या मतलब है जो कम्प्रहेंसिव जो डिटेल्ड थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थी वो लिमाक ने उसे फिफ्टी ईयर्स पहले दी थी तो अगर जो उसमें क्रिटिसिजम हुआ भी बट वी कॉन्ट

लिमार्क ने क्रिटिसिज्म फेस किया जो इसकी थियोरी का क्रिटिसिज्म है इसने वो उसको डिफेंड करता गया अंटिल हिज डेथ सम ऑफ द ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट द लिमाकिजम थियोरी आर एस जो फर्स्ट प्रिंसिपल है ऑन द टेंडेंसी ऑफ इंक्रीज़ इन साइज इज़ ट्रू इन्होंने बोला ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है जो उनके कहा था कि इंक्रीज़ इन साइज हाँ किसी चीज़ को आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो उसकी डिवेलपमेंट हो जाएगी बट दिस इज़ नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल ये कहीं कहीं ऑर्गनिज़म में हो जाता है या किसी किसी ऑर्गेनिजम में हो जाता है लाइक like, जो हाँ हमने देखा है जो जिम में जाते हैं जो कंटीन्यूस जिम जाते हैं लोग तो उनकी जो मसल्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रोंग uh, होती है एज़ कम्पेयर टू वी पीपल और एज़ कम्पेयर टू दोज हु आर नॉट गोइंग टू जिम बट दैट इज़ नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हर एक चीज़ में ऐसा नहीं होता ये किसी किसी ऑर्गन में किसी किसी ऑर्गेनिज़म में ऐसा चलता है नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल ट सेकेंड प्रिंसिपल जो इन्होंने बोला न्यू ऑर्गन्स डिवेल्प अपॉन न्यू डिज़ायर इज़ आल्सो नॉट ट्रू जो हाँ जो इन्होंने बोला कि अगर किसी के का कोई डिज़ायर होता है तो वो वैसे ही डिवेलप uh, हो जाएगा वो भी uh, नहीं सच था क्यों क्योंकि अगर ह्यूमन बींग कोई इसकी इंटरनल अर्ज हो जाती कि मैं बर्ड्स uh, की तरफ फ्लाई करूँ तो वो नहीं हो सकता है दैट इज़ नॉट द केस ठीक है तो इंटरनल अर्ज अर्ज आपकी या डिजायर क्या होगी दैट इज नॉट ऑलवेज प्रू ये भी यहाँ पे भी जो दिमाग का जो कॉन्सेप्ट था वो गलत प्रूव हो गया थर्ड प्रिंसिपल जो उन्होंने बोला कि यूज़ एंड डिसयूज ऑफ दी ऑर्गन्स कि जितना आप ऑर्गन्स को यूज़ करोगे उतना उसमें डिवेलपमेंट आ जाएगी और जितना आप उसको डिसयूज़ करोगे यूज़ नहीं करोगे उतना वो वैनिश हो जाएगा वो डिमिनिश होकर फाइनली उस ऑर्गन का वो फाइनली गायब ही हो जाएगा दैट वॉज़ ऑल्सो इनकरेक्ट ठीक है ये सारा जो फोर्थ एंड फाइनल प्रिंसिपल जो फोर्थ जो प्रिंसिपल था उन्होंने बोला भी जो भी आप एक्वायर करते हो वो लाइफ टाइम में जो भी आप कुछ एक्वायर करोगे आ, कोई भी कैरेक्टर वो आपका आ, फिर इनहेरिट होके वो आ, वो आपका एक्वायर हो के हो जाता है उसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा कंट्राडक्शन कंट्र कंट्राडिक्ट्री पॉइंट वो रहा उनका उनकी जो थीरी है उसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा कंट्राडिक्टिंग पॉइंट फोर्थ वाला रहा ऑगस्ट वेस्मिन जो है वो जर्मन बायोलॉजिस्ट था इसके कॉन्ट्राडिक्शन में उन्होंने क्या किया उन्होंने ट्वेंटी ट्वेंटी जनरेशन जो वाइट माइस की थी उनका वो टेल कट करता गया उन्होंने वो हर बार हर जनरेशन ट्वेंटी जनरेशन तक उनका जो आ, टेल है वो कट किया लेकिन जो नई जनरेशन आई थी उनमें फिर से वही हुआ फिर से वो एग्जैक्ट सेम लेंथ की जो टेल आ, आती गई इन ऑल जनरेशन द लेंथ ऑफ़ द टेल वाज हॉन् टू बी नॉर्मल ही बिलीव द एक्वायर्ड करेक्टर वाज नॉट इनहेरिटेड उसने बोला कि नहीं जो ये एक्वायर हासिल करेंगे हम लाइफ टाइम में वो इनहेरिट नहीं हो जाएगी तो ये यहाँ पर विस्मैन ने कॉन्ट्राडिक्ट किया फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ हिमा देन और एक चीज़ जेविस और मुस्लिम्स में क्या होता है सरकम सेशन होती है लड़कों की सरकम सेशन होती है आ, ये जो है ये बहुत सदियों से आत, चलता आ चलता आया है बट जो नए बच्चे होते हैं उनमें वैसे ही वो ऑर्गन डेवलप हो जाता है ऐसा नहीं है कि एक में हमने एक्वायर किया वो जो कट किया तो आगे वाले जनरेशन में नहीं होगा आगे वाले जनरेशन जो बच्चे हैं उनको भी जो बॉयज़ हैं उनको सरकम करनी पड़ती है चाइनीज़ वोमेन वेयर आयरन शूज चाइना में जो औरतें हैं, वो आयरन शूज पहनती हैं टू कीप देयर फीट शॉर्ट फॉर मैनी जनरेशन बट जो नई जनरेशन फिर भी बॉर्न होती है तो उनके नॉर्मल फीट होते हैं वैसे उनको भी वैसा ही पहनना पड़ता है वो आयरन शूट पहनने पड़ते हैं तो इन इट इज अ प्रैक्टिस ओके सॉरी इट इज़ अ प्रैक्टिस एम दे हाँ जो वोमेन है वो पेयर्स करते हैं अपने कानों में या नाक में छेद करती है बट जो नई गर्ल्स होती हैं तो उनमें क्या होता है उनमें कान छेदने पड़ते हैं फिर से नाक छेदनी पड़ती है तो ये इसका ये मतलब है ये एक्वायर्ड जो कैरेक्टर हम करते हैं लाइफ टाइम में हम अगर करते हैं कोई एक्वायर्ड जैसा कि डार्विन ने बोला था कि सॉरी लिमा ने बोला था कि वेडिड जो बर्ड्स का जो टोज है वो स्ट्रेच होते गए या जराफी की वो स्ट्रेच लगी ये फिर इनहेरिट होती गई तब जो वुमेन है जो बॉयज़ हैं मुस्लिम या यजुज़ में या वुमेन है जिनकी पेयरसिंग होती है तो उनके जो गर्ल्स या बॉयज़ हैं वो वैसे ही पैदा होने चाहिए थे एज पर लेमार्कस फोर्थ प्रिंसिपल बट दैट इज़ नॉट द केस देन कम्स न्यूलिमिज्म तो ये आपको समझ आ गया कि कहाँ कहाँ क्रिटिसिज्म हुआ लिमाकज़म का लिमाकज़म के बाद आ गया न्यूलिमाकज्म जो इसमें क्या हुआ कि कुछ एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ने लिमाकज़म को फिर से उसके जो एक्वायर्ड कैरेक्टर जो उन्होंने बोला था फोर्थ प्रिंसिपल उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने इसको मॉडिफाई किया लिमाकज़म को मॉडिफाई किया और एक नई थेरी थी जिसका नाम था न्यो लिमाकज्म ग्रुप ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट सच डोगल, स्पेंसर कोप पैकर्ड कैमरर एंड ये नए क्या थे? ये सारे न्योलिमाकज लि, इन्होंने न्योलिमाकजम पे काम किया इन्होंने फर्दर स्टडी uh, की और मॉडिफाई किया लिमाकिज्म को जो मॉडिफाई किया इन्होंने लिमाकिज्म को उसी को इन्होंने बोला ठीक है इन ऑर्डर टू प्रूव द इनहेरिटेंस ऑफ एक्ट करेक्टर कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन रेट्स इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर को प्रूव करने के लिए मैकडोगाल ने एक्सपेरिमेंट किया रेट्स पे उन्होंने क्या किया उन्होंने एक टैंक ली उस टैंक में पानी भर दिया और उसमें रेट्स को डाल दिया ठीक है और जो टैंक है टैंक में दो एग्जिट्स लगा दिए वन एग्जिट वॉज प्रो वॉज लाइटेड एक एग्जिट में लाइट लगा दी एक दो दो एग्ज़िट लगाते स्टेक में एक साइड से लाइट लगा दी और दूसरा साइड डार्क कर रखा लेकिन जो लाइट वाला था उस लाइट वाले एग्जिट को उसने इलेक्ट्रिक शॉक रखा ठीक है तो जब रेट्स इसने इसमें डाल दिए तो रेट्स जब भाग रहे थे तो वो कहाँ की तरफ से भाग रहे थे जहाँ से लाइट आ रही थी वो अंधेरे वाले रास्ते से नहीं भाग रहे थे वो दे ट्राई टू एस्केप थ्रू द लाइटेड रूट बट जो ये लाइटेड रूट था वहाँ से इसने जब इलेक्ट्रिक शॉक दिया तो वहाँ से वापस आ रहे थे फिर रेट्स तो वापस आने के बाद फिर वो एस्केप कर रहे थे थ्रू डार्कर रूट्स तो डार्कर डार्क रूट ठीक है इसने क्या किया जिनको ये ये ट्रेनिंग दे दे रहा था उन रेट्स को इन्होंने फिर ब्रीडिंग करी ठीक है उनके ऑफ स्प्रिंग्स हो गए उनके बच्चे जब हो गए उन बच्चों को इसने फिर से ट्रेन करना स्टार्ट किया लेकिन यहाँ ये जो मैकडोगाल है उसने यहाँ पे ऑब्जर्व किया जो नए जनरेशन के जो इनके बच्चे थे जिनको ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट पर रखा था इन्होंने तो उनके जो बच्चे हैं उनमें लर्निंग जो है वो इनक्रीज़ हो गई जो स्पीड ऑफ लर्निंग है वो इंक्रीज हो गई जल्दी जल्दी सीखने लगे ठीक है दस ही कंक्लूडेड दैट द लर्निंग हैबिट वॉज इनहेरिटेड बाई रेट्स तो उन्होंने कंक्लूड किया जो लर्निंग हैबिट था वो इनहेरिट हो गया इसलिए पहले जो रेट्स थे उनको टाइम लग रहा था सीखने में कि एक साइड से इलेक्ट्रिक शॉक है तो जो नए वाले थे वो जल्दी सीख रहे थे ये तो यहाँ पे जो मैकडोगाल ने ये कंक्लूड किया कि ये जो लर्नड बिहेवियर था ये इनहेरिट हो गया फ्रॉम पेरेंट रेट्स टू द ऑफ स्परिंग रेड्स नेक्स्ट कैमर वॉज ऑल्सो न्योलिमार्गिजम वॉज डीलिंग विद न्यो उसने भी प्रोटियस एंगवस जो है इस ऑर्गेनिज्म पे एक्सपेरिमेंट किया ये आप इसकी पिक्चर आप गूगल करके देख लेना ये आपका काम है बाकी पिक्चर्स मैंने लगा दी हैं ये आपका काम रहेगा इस ये जो ये ऑर्गेनिज्म है ये कंप्लीट डार्कनेस में रहता है ये एक एम्फीबियन है ब्लाइंड है और कलरलेस है तो उसने क्या देखा जब इसने इसको नॉर्मल डे लाइट में लाया तो ये प्रोटेस एंग anguish, जो है उसके नॉर्मल आइज डेवलप होने लगे और इसका कलर आने लगा जबकि ये पहले कलरलेस था तो इसका कलर आने लगा बिकॉज ऑफ द डे लाइट तो यहाँ पे क्या हुआ कि कंक्लूड हुआ कि ये कुछ चीज़ें हैं जो इनहेरिट होती हैं देन कम्स ग्रिफ्टिन एंड डिटेल ऑप्शन उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया रेट्स पे उन्होंने रेट्स को एक रोटेटिंग टेबल पे रखा वो जो रोटेट करता रहा वो टेबल तो फॉर सेवरल मंथ्स से इन्होंने रेट्स को उस पर रखा फिर उन्होंने इस टेबल को स्टॉप किया लेकिन स्टॉप करने के बाद उन्होंने देखा जो ये रेट्स थे उनमें डिजीनेस कंटिन्यू रही वो वो जो थर थर आने लग रहे थे कंटिन्यूसली होने लगे और जो उनकी जो फिर ऑफ स्प्रिंग्स हो गए दे वर आल्सो एग्जिबिटिंग डिजीनियस एट इरेग्यूलरिटी इन गेट ठीक है तो द्हाइट मैस आओ, ओके समनर ने भी ऐसा ही एक्सपेरिमेंट एक, किया उन्होंने वाइट मैस को एक्सपोज किया ट्वेंटी टू 300 हंड्रेड डिग्री टेम्परेचर पे जहाँ पर उन्होंने देखा द बॉडी हैंड लिम्स एंड द टेल ऑफ द माइस इंक्रीज द लिंग्स लेंथ फर्दर ही ऑब्जर्व द कैरेक्टर वॉज ट्रांसमिटेड टू द ऑफ स्प्रिंग्स जो उन्होंने जो इसमें लेंथ में इंक्रीज दिक, दिक, देखा जब वाइट माइस को इन्होंने एक्सपोज किया टेम्परेचर पे तो फिर उन्होंने वो कैरेक्टर अब उनके ऑफ स्प्रिंग्स में भी पाया तो यहाँ पे इन लियो जो न्योलिमार्किजम पे काम कर रहे थे इन साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया दैट दिस इज़ एन एक्वायर्ड कैरेक्टर एंड इन हिज एंड इज इनहेरिटेड टू द ऑफ ये तब की बात है जब जीन की कोई बात ही नहीं थी जब इन फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था तब ये लोगों का ऐसा काम था कि कुछ जो इनको सोमेटिक या रिप्रोडक्टिव या सेक्चुअल सेल्स उनका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था उस टाइम ये बात कर रहे थे कि कैसे कोई चीज एक्वायर होती है और कोई चीज इनहेरिट होती है कोई एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिट होता है और कुछ चीजें नहीं होती है ठीक है तो ये था हमारा एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा और ये इंटरेस्टिंग लेक्चर था थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ यू लाइक द कॉन्टेंट डोंट फो गेट टू सब्सक्राइब के कीप वॉचिंग अस ऑन ट्विटर फेसबुक एंड यूट्यूब थैंक्स अगेन